नहीं कहते हमारे ऊपर तो कोई याद नहीं बेईमानी करता, मैं नंगा हो गया और पतरज आलू के घाटे में 35 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरे लड़के नाती अनाथ हो गए और फिर मुझे बेईमान। मामा किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हम काली मैया के मंदिर में हैं, कोई कह दे वो जो ये आरोप लगा रहा है अखबार में और आप लिख रहे हैं कि 2 लाख रुपया, कोई सबूत है इसका कि मैंने 2 लाख रुपया लिए? मैंने किसी से नहीं लिए 2 लाख रुपया, ये गलत। जो सुनो 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 जो वो कहता है, मैंने ये 3 पेज का लेटर दिया था पत्रकारों को अपने जलेसर में, ये किसी ने नहीं छापा, और वो जो कहता है उसी को छाप देती हो, कौन सबूत है कि मैंने 2 लाख रुपया लिए मोनू यादव से? बताओ इनके पास वीडियो वायरल हुई है क्या? 20,000 रुपए राहुल गुप्ता से ये आपके आवास पर 20,000 रुपए दिए के माध्यम से, और उसके पास वीडियो भी है उसका और आपने स्वीकार भी किया है। हाँ, सुनो मेरी बात, ऑडियो में सुनो 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 मेरी बात सुनो, जो 10 रुपया की रसीद हम काटते हैं, हम रसीद ला नहीं पाए इधर, याद नहीं रही है, 100 रुपया की रसीद काटते हैं, 500 रुपया की रसीद काटते हैं, 1,000 रुपया की रसीद काटते हैं, चंदा करके संगठन में जिसका जो मन होता है लेते हैं, लेकिन हम जबरन किसी से 1 रुपया नहीं लेते और न किसी दलाली लेते, न रिश्वत लेते, न किसी सरकार से कभी लिया है, न केंद्र सरकार से लिया, न प्रदेश सरकार से लिया, न कभी संगठन को बेचा। आपके मन में हो आप दान दे दें, 10,000 दे दें, 20,000 दे दें, उसकी मैंने नहीं करते। राहुल से लिया कि नहीं? राहुल से राहुल ने 20,000 दिया होगा, भानु ने तो उसकी मतलब दिया लिया होगा क्या? सीधे सीधे आपने अपनी समस्या बता करके खर्चा की पूर्ति ना हो पाना, खर्चा अपनी गाड़ी घोड़ों के खर्चे के, ये राहुल गुप्ता कहना है, राहुल गुप्ता का आरोप है ये, कब तक लिया आपने? ऐसा है अब वो जो आरोप लगा मैं किसी से अपने खर्चे के लिए कैसे ले लूंगा ये बताओ आप।